एक दिन की बात है, एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वह एक कुएं के पास पहुंची जिसके चारों ओर दीवार थी। लोमड़ी यह देखने के लिए गया कि कुएं में कितना पानी है। तभी लोमड़ी का संतुलन डगमगाता है और लोमड़ी कुएं में जा गिरती है। कुएं में बहुत अधिक पानी नहीं था, इसलिए लोमड़ी मरने से बच गई। लेकिन जब उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की तो बाहर निकल नहीं पाई। वह वहीं खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वहां एक बकरी वहां आई और कुएं की हलचल सुनकर कुएं में झांकने लगी। उसे वहां लोमड़ी खड़ी दिखाई दी। बकरी ने चकित होकर लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? लोमड़ी को कुएं से बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया था। वह मीठी वाणी में बोली, बकरी बहन, क्या तुम नहीं जानती कि कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ने वाला है, इसलिए मैं यहां आकर बैठ गई हूं। कम से कम मैं यहां प्यासी तो नहीं मरूंगी, तुम भी क्यों नहीं आ जाती? बकरी ने सोचा कि लोमड़ी सही कह रही है, पानी के लिए दर दर भटकने से अच्छा है कि कुएं में ही जाकर बैठूं। पहले जाने का फायदा भी रहेगा, ज्यादा जानवर कुएं में चले गए तो वे कहां मुझे कुएं का पानी पीने देंगे। यह विचार आते ही वह कुएं में कूद पड़ी। जैसे ही वह कुएं के अंदर पहुंची, मौके की ताक में बैठी लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़ गई और कुएं से बाहर निकलकर जंगल में भाग गई। मूर्ख बकरी। सीख: कभी किसी की बात पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए।